हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक 24 हिंदी। दोस्तों, यार काफ़ी सारे लोग मेरे पास कमेंट कर रहे हैं कि उनके रियलमी 2 प्रो में रियलमी UI का लेटेस्ट अपडेट आने के बाद उनके फ़ोन में जी कैम अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है। सो दोस्तों, अगर आपके फ़ोन में भी जी कैम अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है तो आज के इस वीडियो को कम्प्लीट देख लीजिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए एक जी कैम लेके आ चुका हूँ जो कि आपके रियलमी 2 प्रो में 100% वर्क करने वाला है एंड इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। सो दोस्तों, चलिए आगे आपको वीडियो में बताते हैं कि आपको इसे कहाँ से डाउनलोड करना है, अपने फ़ोन में आपको क्या कुछ सेटअप करना है जिससे कि अच्छे से वर्क आपके फोन में कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो आपको सबसे पहले मिले। एंड वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को भी लाइक कीजिएगा। तो चलिए, आपका ज्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जो जी कैम मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ ये रियलमी ने खुद जब रियलमी UI का लेटेस्ट अपडेट दिया था रियलमी UIF.08 उसमें रियलमी ने इसे सजेस्ट किया था रियलमी 2 प्रो के लिए जी कैम। जी हाँ दोस्तों, देख सकते हैं रियलमी ने खुद बताया कि इस जी कैम को आप डाउनलोड कर सकते हैं एंड इसी को मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। लेकिन इसे डाउनलोड करने के बाद भी ये अच्छे से वर्क आपके फ़ोन में नहीं करेगा तो उसे वर्क कराने के लिए आपको क्या करना होगा वो सेटिंग्स मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को कम्प्लीट जरूर देखिएगा। सो दोस्तों, देख सकते हैं मेरे पास है Realme 2 Pro एंड मेरे फ़ोन में जी कैम अच्छे से वर्क कर रहा है। अब देख सकते हैं इसमें सारे फीचर्स भी इनेबल हैं, ऊपर से स्लाइड करिए, नाइट स्केप मोड, पोर्ट्रेट मोड एंड कैमरा मोड, इसमें सब कुछ इनेबल है। जैसे कि देख सकते हैं कैमरा मोड, वीडियो मोड, ये सब अच्छे से वर्क कर रहा है। एंड ऊपर से नीचे स्लाइड करोगे तो ये देख सकते हैं आपको इसमें बहुत सारे ऑप्शंस और भी देखने को मिल जाते हैं जो कि जी कैम में आपको देखने को मिलता है। इसमें कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो कि काम नहीं कर रहे हैं, वो एक फीचर ऐसा है जो कि स्लो मोशन, तो स्लो मोशन इसमें बिल्कुल भी वर्क नहीं कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही आप स्लो मोशन को ओपन करोगे आपकी डिवाइस लैग हो जाएगी, मतलब कि कैमरा बंद हो जाएगा। एंड बाकी सारे फीचर्स तो दोस्तों इसमें अच्छे से वर्क कर रहे हैं। चलिए आपको सेटिंग में चल के दिखाते हैं। देखिए सारे सेटिंग्स भी अवेलेबल हैं एंड सेटिंग अपने हिसाब से आप कर सकते हो। यहाँ पे HD एंड यहाँ पे आपको 180p तक देखने को मिलता है। एंड उसके बाद देख सकते हैं और भी कई सारे फीचर्स हैं। अबाउट में चल के देख लीजिए, इसका लेटेस्ट वर्जन है जो कि बीटा मोड में है अभी। सो दोस्तों, आप इस जी कैम को इंस्टॉल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बट ये आपके फ़ोन में वर्क कैसे करेगी चलिए आपको वो बता देते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आप अपनी सेटिंग में जाइएगा फ़ोन के। सेटिंग में आने के बाद आप चले जाइएगा अबाउट फोन में। अबाउट फोन में आने के बाद आपको डेवलपर ऑप्शन को इनेबल कर लीजिएगा। डेवलपर ऑप्शन इनेबल कर लोगे तो डेवलपर ऑप्शन में आप नीचे स्लाइड कीजिएगा, सबसे नीचे चले जाइएगा। सबसे नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा कैमरा हाल 3। तो जी हाँ दोस्तों, ये बाय डिफॉल्ट ऑफ होगा, तो यहाँ से आप सिंपली इसे इनेबल कर दीजिएगा। इनेबल करने के लिए आप उसे फ़ोन रिस्टार्ट करने के लिए बोलेगा, तो यहाँ से आप इनेबल पर क्लिक करके फ़ोन को रिस्टार्ट कर दीजिएगा। एंड उसके बाद आप अपने जी कैम को इंस्टॉल करके यूज़ कीजिएगा, आपका जी कैम बिल्कुल भी अच्छे से वर्क करेगा। एंड दोस्तों, इंस्टॉल करके मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपके फ़ोन में ये अच्छे से वर्क किया कि नहीं किया। एंड वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो हमारे चैनल पर आती रहती है। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।